हेलो किड्स, हेलो किड्स, हाउ आर यू? आर यू रेडी टू रीड? आई होप यू आर हैप्पी टू रीड आवर मैरी गोल्ड बुक. व्हेन माय चैनल स्टार्ट्स, व्हेन माय वीडियो स्टार्ट्स, यू हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ योर लैपटॉप और मोबाइल फोन विथ योर मैरी गोल्ड बुक. एंड व्हेन आई टीच यू, देन यू हैव टू रिपीट. एंड व्हेन आई गिव यू सम वर्क, you need to do that work. Okay, so let's read. Whatever I speak, you need to repeat. जो कुछ मैं पढ़ता हूँ, read करता हूँ, वो आपको बोलना है. इससे ही आप English सीख पाएंगे. और कुछ भूल जाता है तो इस वीडियो को बार बार play करना है, replay करना है, जब तक आपसे बनने ना लगे. ठीक है, चलो बोलो. Our tree, मेरा पेड़. Listen and read, सुनो और पढ़ो. सुनो और पढ़ो मतलब इसको सुनो और फिर उसके बाद वैसा का वैसा ही बोलो. जैसा मैं बोलता हूँ वैसा बोलो. A little bird sees ripe fruit on our tree and eats a tasty berry. The bird flies for tall and a berry seed falls. The rains have come, hurry, let's run. Clouds, rain and sun, our plant is for a little one. Now a tree with branches long grows in bird song. Crawling ants and spiders webs, caterpillars with teeny legs, rich green leaves, life aplenty. The tree has fruit, some big, some small. Let us pluck them, but do not fall. Crouch, perch, squirrel run, and see the monkeys having fun. Strong branches with pretty seams, our beautiful tree has so many things. तो अब हम इसको समझते हैं कि पोएम में क्या हो रहा है. Our tree, हमारा पेड़. Listen and read, सुनो और पढ़ो. एक छोटी चिड़िया, this is a little bird. A little bird sees, एक छोटी चिड़िया देखती है. क्या देखती है? Ripe fruit on our tree. Ripe fruit on our tree, कि हमारे पेड़ में एक फ्रूट जो है पक गया है. And eats a tasty berry, और टेस्टी बेरी को खा लेती है. The bird flies tall and a berry seed falls, और चिड़िया ऊपर उड़ जाती और जो बेरी का जो सीड होता है बीज वो नीचे गिरा देती है. ठीक है, आगे क्या होता है? द रेन हैव कम, हरी लेट्स रन. अब बारिश शुरू हो जाती है तो बच्चे बोलते हैं कि हमको भागना चाहिए, बारिश शुरू हो गई. क्लाउड्स रेन एंड सन, बादल आ गए हैं, बारिश होने लगी और क्या आ गया? सन, सूरज भी है. और प्लांट्स इज बॉर्न, अ लिटिल वन, ये थोड़ा सा प्लांट जो है बड़ा हो गया. क्यों बड़ा हो गया? बारिश से बड़ा हुआ, सूरज के आने से बड़ा हुआ, है ना. नाउ अ ट्री विथ ब्रांचेस लॉन्ग, अब इस ट्री की ब्रांचेस बड़ी बड़ी हो रही हैं. जो कौआ है वो बर्ड सॉन्ग गा रहा है. एंट क्रॉलिंग कर रही है, स्पाइडर्स वेब बना रहा है. कैटरपिलर के छोटे छोटे लेग्स हैं और
ये लीव्स हैं, इसमें बहुत सारा लाइफ है ना। ट्री हैड फ्रूट, इस ट्री में क्या है? फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रूट्स बड़े हैं, कुछ फ्रूट छोटे हैं। लेट अस प्लग देम, चलो हम उसको तोड़ लें। बट डू नॉट फॉल, लेकिन गिरो गिरना मत। प्रो पर्च स्क्विरल रन, स्क्विरल जो है, जो गिलहरी है, दौड़ जाती है। क्रो क्रो भी उड़ता है उसकी तरफ। एंड सी द मंकीज हैविंग फन, और जो बंदर है उछल कूद करके मजा कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, इसकी ब्रांचेस कैसी हैं? स्ट्रॉन्ग है, तभी तो ये झूला झूल रही है। विथ प्रिटी स्विंग्स, इस पर एक झूला लगाया है स्ट्रॉन्ग ब्रांच में। और ब्यूटीफुल ट्री, हमारा पेड़ सुंदर है सो मेनी थिंग्स, इसे बहुत सारी चीजें, इस पेड़ में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो देखो पिक्चर को, इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें ट्री है, फ्रूट्स है, बर्ड है, मंकी है, स्क्विरल है ना। ये दोनों बच्चे झूला झूल रहे हैं, ये देख रही है। बेरी मीन्स ये बेरी है, बेरी का फ्रूट है ये, कैटरपिलर है ना। नेस्ट, ये देखो ये नेस्ट है, घोंसला। रेन, बारिश। ट्री मीन्स पेड़। लेट्स रीड, चलो पढ़ें। क्लाउड्स ब्रिंग रेन, क्लाउड क्या करते हैं? रेन लाते हैं। द ट्री हैज ब्रांचेस, ट्री में ब्रांचेस होती हैं। रीडिंग इज फन, रीडिंग इज फन। वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट, जो छोटी बर्ड होती है उसको फ्रूट कहाँ पर दिखाई देता है? पेड़ पर दिखाई देता है ना। तो इसका आंसर क्या बोलेंगे? द लिटिल बर्ड सॉ द फ्रूट ऑन द ट्री। व्हाट डज सी डू, वह क्या करती है? जो लड़की है क्या करती है? सी सी स्विंग्स है ना, वो झूला झूलती है। व्हाट हैपेंस व्हेन द When she eats the berry? नहीं, बर्ड के बारे में पूछा है ना कि बर्ड क्या करती है। सी ईट्स बेरी, सी ईट्स बेरी। वॉट हैपन्स वेन सी ईट्स द बेरी, जब चिड़िया जो है बेरी को खाती है तो क्या होता है? वो बेरी को तो खा लेती है, लेकिन उसका सीड के नीचे गिर जाता है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? सी सीड ड्रॉप डाउन, सीड ड्रॉप डाउन व्हेन सी ईट्स द बेरी, है ना। जब वो बेरी खाती है तो सीड नीचे गिर जाते हैं। लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं। वेयर डू बर्ड्स लिव, बर्ड कहाँ रहती है? बर्ड ट्रीज पर रहती है। तो इसका आंसर बोलना है बर्ड्स लिव ऑन द ट्री। हैव यू सीन एनी बर्ड्स नियर योर हाउस, क्या तुमने अपने घर के पास कोई बर्ड देखी है? देखिए तो यस बोलना। यस आई हैव सीन मैनी बर्ड्स नियर माई हाउस। डू यू नो देयर नेम्स इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज, क्या उस बर्ड का नाम जानते हो? हर एक बर्ड का नाम होता है, जैसे पैरट, पिजन, क्रो, मैना है ना। तो तुमने कौन सी बर्ड देखी है उसका नाम लिखना है यहाँ पर, है ना। लेट्स शेयर सर्कल द थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन अ ट्री। ट्री में क्या क्या मिलता है? बी हाइव होता है ट्री पे, तो इसको सर्कल करो। क्या ट्री पर क्लॉस होते हैं? तो इसको सर्कल मत करना। काइट, ट्री में काइट होता है? नहीं होता, तो इसको सर्कल नहीं करना। ट्री पर क्रोज होते हैं? तो इसको सर्कल करो। ट्री में पेंसिल होता है? नहीं होता,
ट्रिपर लीव्स होता है तो इसको सर्कल करो, ट्रिपर एंट होता है तो इसको सर्कल करो, ट्रिपर कुक होता है नहीं होता है, जूसी फ्रूट्स, नेम द फ्रूट्स यू कैन सी ऑन द पुश कार्ट, से विच वन यू लाइक द मोस्ट। इसकी पुश कार्ट में कौन कौन से फ्रूट्स हैं, देखो ये लिखा है एप्पल्स, दिस इज एप्पल, पाइन एप्पल है ना, पाइन एप्पल, मैंगोज, दिस इज मैंगो, मैंगो एंड दिस इज पाइन एप्पल, बनाना, ग्रैप्स, कहाँ है ग्रैप्स, दिस इज ग्रैप्स, ऑरेंज, दिस इज ऑरेंज है ना। आई लाइक एप्पल्स द मोस्ट, मुझको एप्पल खाना ज्यादा पसंद है। लेट्स डू, हाउ डज अ सीड ग्रो, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। एक सीड कैसे ग्रो करता है, पिक्चर देखना है और उसको नंबरिंग करनी। तो प्लांट ग्रो करने के लिए पहले आपको सीड लगाना पड़ेगा, तो ये है नंबर वन, आई डिग द अर्थ है ना। नंबर टू, आई प्लांट द सीड, उस पर सीड लगा देना है गड्ढे पर। नंबर थर्ड पे क्या करना है, आई वाटर द प्लांट, प्लांट को वाटर देना है, उसके बाद द प्लांट ग्रोज, उसके बाद प्लांट ग्रो हो जाएगा। उसको सपोर्ट देने के लिए स्टिक भी लगा सकते हो, प्रोटेक्ट करने के लिए है ना। लेट्स थिंक, चलो सोचते हैं, पुट अ टिक इफ इट इज ट्रू, पुट अ क्रॉस इफ इट इज नॉट ट्रू। आई लाइक फ्रूट, मुझे फ्रूट पसंद है, ट्रू है तो यहाँ पर टिक करो। आई लाइक फ्लावर्स, मुझे फूल पसंद है, यहाँ पर टिक करो। देयर इज अ ट्री नियर माई हाउस, मेरा घर का पास एक ट्री है, अगर है तो यहाँ पर टिक करो, नहीं है तो यहाँ पर टिक करो। द ट्री हैज फ्लावर्स, ट्री में अगर फ्लावर है तो यहाँ पर टिक करो, नहीं तो यहाँ पर टिक करो है ना। द ट्री हैज फ्रूट्स, अगर ट्री में फ्रूट लगा हुआ है तो यहाँ पर टिक कर दो। लेट्स रीड एंड राइट, मेरे साथ बोलो, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, हेल्प द बर्ड रीच इट्स नेस्ट, बर्ड जो है नेस्ट में कैसे पहुंचेगी, बर्ड नेस्ट में कैसे पहुंचेगी, ये बर्ड है यहाँ से जाएगी तो उस तरफ रास्ता बंद है, इधर से भी जाने पर रास्ता बंद है ना, इधर से जाओ, इधर से जाओ है ना, इधर से जाओ, इधर से जाओ तो रास्ता बंद हो गया, अब इधर से जाओगे तो भी रास्ता बंद है ना। तो बर्ड के लिए, बर्ड को नेस्ट तक पहुंचने का रास्ता तुम इसमें से ढूंढो, कैसे पहुंच सकते हैं है ना। ये देखो ये बर्ड नेस्ट का रास्ता है, इधर इधर, ये हाँ, बर्ड को यहां से ले जाओ, इधर से, और ये बर्ड जो है नेस्ट में पहुंच जाएगी ऐसे ऐसे, ठीक है, जैसे मैंने किया है। देखो दिस ट्री इज स्माइलिंग लाफिंग, ये ट्री क्यों हंस रहा है, क्योंकि इस पर इसके पास एक बर्ड है, इसके पास एक नेस्ट है ना। कैन यू क्लाइंब अ ट्री, क्या तुम एक पेड़ पर चढ़ सकते हो, यस आई कैन क्लाइंब, यस आई कैन प्लक, यस आई कैन कैच,
यस आई कैन जंप, है ना, यस आई कैन क्लाइंब, सही हो जाएगा। तो बच्चों आज ये लेसन खत्म हुआ, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मुरलीज मैंगो ट्री, मुरली मैंगो ट्री, तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तीन काम आपको करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।